एक ही ग्रे वाला कलर है इधर की साइड, अगर आप देखोगे तो ये भी कलर देखने में पर्सनली बढ़िया नजर आ रहा है। दोबारा देखना, ग्रीन कलर की लाइट जलेगी इसके अंदर आपकी। इसमें अब आप लोगों को जो क्रूज कंट्रोल मिलता है ये उसकी लाइट रहने वाली है। उसके लिए आपको इस बटन को ना एक बार ऐसे अंदर को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा जाएगा क्रूज ऑन हो चुका है। नहीं थी मतलब अपडेट किया तो फर्स्ट टाइम भी लॉन्च हुई थी, तब कहा गया था कि यार ये अपनी आर आर पे क्यों नहीं काम कर रहे। तो ये टीवीएस की तरफ से एक बिग सरप्राइज था जिसके अंदर इन्होंने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जो इसके अंदर ना दिया हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ भाई, मतलब 300cc के सेगमेंट में टीवीएस ने ऐसा काम कर दिया है, मतलब कि जो आपका एक ड्रीम रहता था ना कि हाँ भाई सुपर बाइक परचेज करनी है, सुपर बाइक वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस बाइक के अंदर इन्होंने नहीं दे दी हो। अब भाई आप लोग कम पैसों के अंदर अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। सुपर बाइक खरीदने के लिए कम से कम मिनिमम बजट चाहिए, 10 लाख रुपए से कम की कोई अच्छी बाइक नहीं आती है। पर यहाँ पे भाई आप लोगों के लिए टीवीएस ने मुश्किल से 3-3.5 लाख या 3,80,000 रुपये मैक्सिमम मान लो उसके अंदर आप लोगों को सारे वो प्रैक्टिकल फीचर दिए जो सुपर बाइक के अंदर जेन्युइनली यूज़ में आते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम अपनी बाइक को थोड़ा बिग बाइक जैसी फील देने के लिए आफ्टर मार्केट करा रहते हैं, पर आफ्टर मार्केट चीज़ आफ्टर मार्केट होती है और कंपनी फिटेड होती है। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा टीवीएस अपाचे RR 310 के अंदर एक ज़बरदस्त अपडेट आया है। इसमें तीन इन्होंने वेरियंट निकाले हैं, फिर आप कह सकते हो कि तीन कलर निकाले हैं, ठीक है। तो ये इसका सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है टीवीएस रेसिंग वाला अपाचे, ये आप लोग चेकआउट करो, कुछ ऐसी लुक आती है। सेकेंड अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक ही ग्रे वाला कलर है इधर की साइड, अगर आप देखोगे तो ये भी कलर देखने में पर्सनली बढ़िया नजर आ रहा है, रियल लाइफ में देखने में अच्छा लग रहा है। जैसे नार्डो ग्रे कलर रहता है ना वैसा वाला इसका कलर है। और थर्ड कलर इसका वही है जो यूनिवर्सल आप लोगों ने अपाचे के अंदर देखा, जो रेड कलर का आता है, रेसिंग रेड कलर वो रहने वाला है। तो ये इन तीनों कलर का सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसके अंदर आप लोगों को सारे वो फीचर्स मिलते हैं जो टीवीएस ने अपना शो करे थे या बताए थे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इस विंग्स के साथ में। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसके अंदर विंगलेट्स डाल दिए हैं जो कि आप लोगों को 3 kg तक का डाउन फोर्स प्रोवाइड करते हैं। हालांकि अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि भाई एक 300cc की बाइक के अंदर इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अब यहाँ पे टीवीएस का कहना है कि हमने इसके अंदर ये विंगलेट्स ऐड करें जिसमें 3 kg का डाउन फोर्स आता है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपकी जो टॉप स्पीड अचीव करेगी बाइक वो पहले से ज़्यादा अच्छी करने वाली है। तो सबसे पहली जो नंबर वन चीज़ है वो अप्रिशिएट करने वाली मुझे यही नज़र आई है। और पर्सनली बताऊँ ये बाइक ना देखने में एक बिग बाइक वाली फील देती थी, अब विंगलेट्स लगने से ना और ज़्यादा ब्रॉड और ज़्यादा आप लोगों को बड़ी लगने वाली है। तो जो लोग अपाचे RR 310 खरीदने वाले थे उनके लिए मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि टीवीएस ने बेस्ट अपग्रेड निकाल दिया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारे पास भी RR 310 हुआ करते थे, हमने खूब चलाई है, दवा के नैनीताल वगैरह जहाँ मर्जी वहाँ लेके गए, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके ऊपर हम चाहते थे कंपनी अपग्रेड करे, ये मुझे लगता है वही अपग्रेड है। पहला विंगलेट्स मैंने आपको दिखा दिया है, सेकंड चीज़ मैं दिखाता हूँ। अगर आप लोग इधर आके देखोगे तो भाई अब आप लोगों को इस बाइक के अंदर वो एक चीज़ मिलेगी जिसको कहते हैं क्लियर क्लच। बेसिकली ये आप लोगों ने देखा होगा सुपर बाइक्स के अंदर रहता है, अगर कावासाकी Z900 के अंदर इसे लगवाने जाओ तो लगभग ये चीज़ कॉस्ट करती है 50,000 रुपये के आसपास का खर्चा रहता है। पर टीवीएस की बात करी जाए तो टीवीएस आप लोगों को ये चीज़ अपनी एक 300cc की बाइक के अंदर दे रहे हैं, जो कि एक रियली मतलब एक आप कह सकते हो कि अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे आपका क्लच रोटेट करेगा, जैसे रेव करो उस हिसाब से रोटेट होता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, तो हमारे कैमरामैन भाई इधर फोकस करेंगे, चेक करो भाई। अभी भाई बाइक कोल्ड स्टार्ट नहीं है, वरना मैं आपको रेव करके भी दिखा देता, जैसे रेव करोगे उतना ही तेज घूमेगा आपका। तो ये चीज़ इसके अंदर भाई बड़ी सही चीज़ लग रही है, मतलब आप कह सकते हो कि 300cc के अंदर मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स ऐड ऑन कर दिए ना, पर्सनली अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ, सेकंड अपग्रेड मैंने आपको ये बता दिया। थर्ड अपडेट, इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएगा, जो मुझे लगता है कि KTM ने अपनी ड्यूक 390 RC 390 के अंदर भी नहीं दे रखा, वो फीचर आप लोगों को TVS ने अपनी अपाचे RR 310 के अंदर दे दिया। अगर आप इधर की साइड आके देखोगे तो इसमें आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है, इसके अंदर आप लोगों को कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने के लिए मिलता है। तो उसका क्या काम है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ये क्रूज कंट्रोल की असेंबली हो गई है। नेक्स्ट चीज़, एक मैं चाहता था पर्सनली, मैंने अपाचे RR 310 को काफ़ी चलाया है, मैंने इसका थोड़ा गियर बॉक्स से इतना सेटिस्फाई नहीं रहता था, मुझे लगता था कि थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। बट जब टीवीएस ने अपनी अपाचे RTR 310 ये वाली बाइक लॉन्च करी थी तो इसके अंदर इन्होंने क्विक शिफ्टर इंट्रोड्यूस कराया था, और पर्सनली बता रहा हूँ इसका गेयरबॉक्स, इसका क्विक शिफ्टर अमेजिंग है, बहुत बढ़िया काम करता है। वही सेम असेंबली अब आपको इस वाली बाइक के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इधर से आके देखोगे तो ये रहा आप लोगों को, इसके अंदर आप लोगों को क्विक शिफ्टर देखने के लिए मिलने वाला है, बाई डायरेक्शनल अपशिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हो। और ये फीचर आपको टीवीएस अपाचे RR 310 के अंदर स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलेगा, बेस वेरियंट से लेकर अपर सारे जितने भी वेरिएंट्स हैं आपको उसके अंदर क्विक शिफ्टर स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि RTR 310 के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ देखी थी। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो भाई इसके अंदर फीचर्स तो इन्होंने इतने सारे भर दिए हैं, नेक्स्ट 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 करते जाओगे आप, और पैसे भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं। अगर एक बार भाई मैं आप लोगों को ये आइटम ऑन करके दिखाता हूँ, एक बार आ जाओ देखो। सबसे पहले इसका अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करोगे तो कुछ इस तरीके से ऑन होता था पहले, इसके अंदर ना थोड़ा सा मुझे डिले लगता, थोड़ा स्लो था, वो चीज़ इन्होंने सुधार दिया है। अब बाइक के अंदर आपको देखो ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे अगर आप इस वाली लाइट के ऊपर गौर करोगे तो दोबारा देखना,
ग्रीन कलर की लाइट जलेगी इसके अंदर आपकी, इसमें अब आप लोगों को जो क्रूज कंट्रोल मिलता है ये उसकी लाइट रहने वाली है, ठीक है जी। उसके अलावा मैं एक चीज़ और फील कर पा रहा हूँ, मैंने अभी इसका ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या फिर आप कह सकते हो कि ये पूरी जो यू आई है इसको चला के देखा, पहले मेरे को ना थोड़ी सी मतलब स्लो लगती थी, तो इसके अंदर भी अच्छा अपग्रेड करा भाई टी वी एस ने, इसके अंदर भाई फ्रीक्वेंसी अच्छी आ गई है, आप कह सकते हो कि इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है एक्यूरेसी अच्छी आ गई है, मतलब जैसे आप देखो मैं कमांड दे रहा हूँ वैसी सारी चीज़ें हो रही हैं, एकदम इंस्टेंट वर्क कर रही है, तो वो चीज़ मुझे इसके अंदर पर्सनली बढ़िया नज़र आ रही है। देखो इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ आपको मिलता ही है, उसमें किसी तरीके की दो राय नहीं है। चाबी अगर देखोगे तो आपको भाई इसके अंदर ऐसे वेव की देखने के लिए मिलती है, जिसपे एक साइड टीवीएस का लोगो, एक साइड मतलब एक साइड टीवीएस की ब्रांडिंग है, एक साइड टीवीएस का जो घोड़ा बना रहता है वो है। एंड उसी के साथ साथ इसके अंदर अगर आप एक चीज़ और देखोगे जो न्यू इंट्रोड्यूस कराई गई है वो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। पहले अपाचे आर आर 310 के अंदर ये चीज़ भी नहीं आया करती थी, तो इसके अंदर अब आप लोगों को ये एडजस्टेबल लीवर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, तो अगेन ये भी एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जब आर टी आर 310 के अंदर अपडेट आया था इतनी सारी चीज़ें आई थी, मतलब अपडेट किया तो फर्स्ट टाइम भी लॉन्च हुई थी, तब कहा गया था कि यार ये अपनी आर आर पे क्यों नहीं काम कर रहे, तो ये टी वी एस की तरफ से एक बिग सरप्राइज था जिसके अंदर इन्होंने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जो इसके अंदर ना दिया हो। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि भैया बाइक के अंदर इतनी सारी चीज़ें थी, थोड़ी पावर पे भी काम करते थे टी वी एस तो मज़ा आ जाता, तो मैं बता दूं आप लोगों को इसके अंदर पावर भी इंक्रीज़ करी गई है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये ऐसी बाइक है ये अपने सेगमेंट के अंदर ना रिवर्स इंक्लाइन इंजन के साथ में आती है। रिवर्स इंक्लाइन इंजन मतलब आपका जो इंजन है थोड़ा सा इस यूथ वाली बाइक्स में ऐसे इंजन होता है या ऐसे होता है, इसमें थोड़ा पीछे की साइड को रहता है और इसका जो बैंड पाइप है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, अदर बाइक्स के अंदर आगे से रहता है, तो ये रिवर्स इंक्लाइन इंजन हो गया। पहले ये बाइक प्रोड्यूस करती थी 33 bhp की पावर, बट आज की डेट में बाइक प्रोड्यूस करती है 38 bhp की पावर, 3 से 4 bhp का आप लोगों को पावर में भी गेन है और थोड़ा बहुत टॉर्क के अंदर भी गेन है। तो मतलब पावर और टॉर्क जो है वो मैं एक बार आप लोगों के लिए स्क्रीन पर भी लिख दूंगा इस बाइक के अंदर क्या मिलती है क्या नहीं मिलती है, बट हाँ ये है कि भाई इसके अंदर TVS ने पावर और टॉर्क दोनों के ऊपर आप लोगों के लिए इंक्रीमेंट करा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाइक की प्राइसिंग क्या कुछ रहने वाली है, तो वो मैं आपके लिए स्क्रीन पर भी डाल दूंगा और एक बार बता भी देता हूं। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो लगभग ये बाइक कॉस्ट करती है लगभग आपका मान के चलो 335,000-38,000 से लेकर 380,000 के आसपास आती है। इसके अंदर तीन आप लोगों को डेडिकेटेड अलग अलग वेरियंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ अगर बात करी जाए ना, इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा से TVS ने डायनामिक किट ऑफर करी है, डायनामिक प्रो किट ऑफर करी है, तो इसके अंदर आप लोगों को कुछ डायनामिक प्रो किट से रिलेटेड फीचर्स बताता हूँ वो क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा कि आपके किस टायर के अंदर कितना प्रेशर है, मतलब कि फ्रंट टायर के अंदर कितनी हवा है कितनी नहीं है आपकी TFT स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। सेम थिंग आपको जो पीछे वाले टायर के अंदर हवा है वो चीज़ भी आपको इसकी TFT स्क्रीन के ऊपर नजर आने वाली है, तो ये एक चीज़ इसके अंदर बढ़िया करी है। सेकंड, इसके अंदर आप लोगों को हिल होल्ड कंट्रोल भी दे दिया, अगर आपकी बाइक कहीं पर ढलान पर खड़ी है इंक्लाइन पर खड़ी है तो वहाँ पर अगर आप ब्रेक छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बाइक होल्ड हो जाएगी। और ये वाला फीचर मैंने BMW S1000RR के अंदर एक्सपीरियंस करा था, बहुत बढ़िया चीज़ है, तो वो चीज़ अपाचे RR310 के अंदर भी अब आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करते हैं तो उसके अलावा इसके अंदर आप लोगों का व्हीली कंट्रोल हो गया या फिर लॉन्च कंट्रोल, मतलब व्हीली कंट्रोल है इसके अंदर, और उसके अलावा ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए ना अगेन स्क्रीन पर लगा दूंगा। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने डायनामिक प्रोकिट के अंदर आप लोगों को ऑफर करी है। और अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो जो आपकी डायनामिक प्रोकिट कॉस्ट करती है लगभग 18,000 रुपये के आसपास कॉस्ट करती है। एंड अगर आपको दूसरी वाली चीज़ जो मतलब प्रोकिट ना होकर सिर्फ डायनामिक किट जो है वो लगभग शायद से कॉस्ट करती है 16,000 रुपये। एक्यूरेट प्राइस आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन के ऊपर इन सारी चीज़ों के डाल दूंगा। बाकी अगर और चेंजेस की बात करी जाए तो आपको इसके अंदर अभी भी आगे फ्रंट के अंदर अगर आप देखोगे तो मिशलिन का बेस्ट इन द सेगमेंट टायर देखने के लिए मिलता है, जो मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर सबसे बेस्ट टायर है। इतना बढ़िया टायर है यार, ये जल्दी से ख़त्म भी नहीं होता है, ग्रिप इतनी बढ़िया है, बारिश में चला लो कैसे भी टाइम पे चला लो आपको इस टायर से ना ग्रिप लैग नहीं होगी। ये मैं अपने पर्सनल खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मैंने इस टायर को खूब चलाया, आप लगा लो खूब जिसे कहते हैं। तो टायर्स के अंदर TVS ने अभी भी अच्छा वाला दे रखा है। USD फोक्स देखने के लिए मिल जाते हैं आगे, गोल्डन कलर के हैं, सस्पेंशन अच्छी है बाइक की, नो डाउट कोई कमी परेशानी नहीं है। एंड उसी के साथ साथ अगर इन ग्राफिक्स की बात करी जाए तो TVS रेसिंग लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, अपाचे लिखा हुआ है, DOHC इंजन लिखा हुआ है, रिवर्स इंक्लाइन भी लिखा हुआ है, मतलब जो भी जरूरी चीज़ें जो भी चीज़ें बाइक के अंदर हाईलाइट करने वाली है वो सारी चीज़ यहाँ पे TVS ने लिख दिया। और यहाँ पे रेसिंग सिंस 1982। और लाइट्स की बात करी जाए इस बाइक की, पर्सनली बताऊँ लाइट्स भी बहुत अच्छी हैं, हाईवे पर थ्रो वगैरह बढ़िया मिलता है क्योंकि इसके अंदर डुअल प्रोजेक्टर सेटअप है ना, दोनों LED बेस्ड हैं, तो बढ़िया लाइट मिल जाती है, लाइट के मामले में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। इसके अंदर सुपर बाइक वाले इतने सारे फीचर्स तो काउंट करवा ही दिए, इतनी सारी नई नई चीज़ें भी काउंट करवा दी हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या आपको ये चीज़ वर्थ इट लग रही है, क्या आपको लग रहा है कि हाँ भाई TVS ने जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करी हैं उनके ऊपर पैसा खर्च करना वर्थ है या फिर नहीं है।
और इसके अंदर अलग अलग मतलब आप कह सकते हो कि कलर भी हैं, और उसके अंदर अगर फीचर्स में कुछ अप और डाउन होगा तो वो चीज़ मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में दिखा दूंगा। एंड अगर साइड प्रोफाइल यहाँ से देखोगे तो अभी भी एग्जॉस्ट का डिज़ाइन सेम है। इसके बारे में क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को कैसा लगता है, कैसे नहीं लगता है। एग्जॉस्ट के डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। एंड पीछे की तरफ आप लोगों को टायर हगड़ जो दे रखा है इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट आपकी अच्छी खासी जो मड है उसको रोकेगा। 150 सेक्शन का आप लोगों को इसके अंदर रियर में टायर मिल जाता है, 110 सेक्शन का आपको इसके अंदर फ्रंट में टायर मिल जाता है। कंप्लीट LED लाइट्स का सेटअप है, एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसकी टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी, एंड अगर ब्रेक लगाओगे तो कुछ इस तरीके से ग्लो करती है। एंड उसी के अलावा अगर ओवरऑल और चीज़ों की बात करी जाए तो कंप्लीट बाइक की जो लुक एंड डिज़ाइन है वो मैंने आपको दिखा दिया, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर सिमिलरिटीज़ भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे भाई आप लोगों के लिए TVS न्यू भी लेके आया है। तो अब आप लोग बताओ कि आप लोगों को बाइक कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड डिज़ाइन, सारी चीज़ें मतलब आप लोग अपनी राय एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे लिख के बताना। और एक बार आप लोगों को थोड़ा सा सीट हाइट भी बता देता हूँ कि आपको कितनी हाइट होनी चाहिए इस बाइक को चलाने के लिए। मेरी हाइट 5'9" होगी और ये मैं बैठूँगा तो भाई मेरा तो फ्लैट फुट आ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, आप लोग देख सकते हो फ्लैट फुट रहने वाले हैं। एंड क्लच के अंदर भी अब आप लोगों को एडजस्टमेंट मिल गया तो आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको टाइट और सॉफ्ट कर सकते हो, हार्ड और सॉफ्ट कर सकते हो। तो भाई अगर आप लोगों को इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल लगाना है तो क्रूज़ के लिए आपको इस बटन को ना एक बार ऐसे अंदर को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा जाएगा क्रूज़ ऑन हो चुका है, और उसके ऐसे ऊपर नीचे प्लस माइनस करके जब बाइक चल रही होगी तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, इंगेज कर सकते हो। और कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं, ऐसे ब्रेक दबाओगे तो अपने आप कैंसिल भी हो जाएगा, पर अभी तो बाइक स्टार्ट नहीं है तो यहाँ नहीं होगा। तो क्रूज़ की चीज़ तो ऐसी रहेगी, और जब बाइक की टेस्ट राइड वगैरह आ जाएगी जब चलाऊंगा तब आपको और अच्छे से बताऊंगा चलने चलाने में कहती है क्या कुछ ओवरऑल बाइक की आउटपुट है। एंड मुझे नहीं लगता मैंने इस बाइक के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो छोड़ी होगी, और अगर लगता है कि छोड़ी तो वो चीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पर्सनली रियल लाइफ में बाइक देखने में कैसी लग रही है, मुझे पर्सनली बाइक बहुत अमेजिंग लग रही है इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड डिज़ाइन, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग मैन। मतलब कि आप कह सकते हो कि अपाचे RR 310 एकदम वर्थ इट हो चुकी है, फीचर्स इतने सारे लेके आ गए, लुक्स एंड डिज़ाइन में इतने बड़े अपग्रेड कर दिए हैं, देखने में बाइक इतनी चौड़ी, देखो आप इतनी चौड़ी मैं अगर ना हूँ तो इतनी आपको वाइड लगने वाली है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसकी जो रोड प्रेजेंस है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस करेंगी। तो ठीक है, यही था एक मेरी तरफ से एक अपाचे RR 310 के ऊपर जो लेटेस्ट वाला इसका वेरियंट आया, आप कह सकते हो न्यू शेप आई है, जो भी कुछ है उसके ऊपर यही एक रिव्यू था मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।